पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो अपनी शहर। तुम लोग नहाने जा रहे हो क्या? हाँ, हमारे घर के बाथरूम में कुछ काम चल रहा है इसीलिए। 5 मिनट में मेरी भी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, मैं नहाने आ रहा हूँ। देखिए आप जल्दी आ जाइएगा, बिल्कुल भी देर मत करिएगा, हम बाहर ही आपका इंतजार करेंगे। इंतजार करवाने के लिए माफ करना। कोई बात नहीं पुलिस अंकल। चलो अंदर चलते हैं नहाने के लिए। हाँ चलो 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 इसे। नकलची बंदर बनने की निंजा टेक्निक, ऐसे पकड़ो और ऐसे छोड़ दो। छोड़ दिया। हाँ क्या बात है। वो बहुत ही बेवकूफ बंदर है। अच्छा बच्चों, तुम लोग अपने कपड़े और तलवार के साथ क्यों नहाते हो, बताओ ना। कोई भी निंजा कभी बिना कपड़ों या तलवार के नहीं मिलेगा, चाहे वो उसके शरीर पर हो या सर पर। वाह बहुत बढ़िया, मुझे लगा तुम लोग अपना सामान लॉकर में रखना भूल गए। ये क्या, नहाने से पहले मैं सॉक्स उतारना भूल गया था, सरकारी सॉक्स। पुलिस अंकल आपकी पिस्तौल कहाँ है? मेरी पिस्तौल यहाँ है। मेरी पिस्तौल कहाँ गई? पिस्तौल चोरी हो गई। मैं जब मजे लेकर नहा रहा था तब पिस्तौल चोरी हो गई। आपका दोबारा स्वागत है। मुझे बताइए, जब मैं नहा रहा था तब कितने लोग यहाँ से बाहर गए, बताइए, सच सच बताइए। शायद 3 लोग गए थे, पापा, पापा के कंधे पर बेटा और उसके पीछे एक मूछ वाला आदमी था। उसी ने चुराई है क्या? मूछ वाला आदमी, मूछ वाला आदमी की जगह। मैं जाकर पुलिस अंकल की मदद करता हूँ, तुम लोगों को इस मामले में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से सीधे घर चले जाओ, ठीक है? तोड़ी ने इस मामले में पड़ने से मना किया है, चलकर देखे। माफ करना मुझे देर हो गई। क्या टक्कर मारी, क्या टक्कर मारी, क्या तुम लोग देख कर नहीं चल सकते? क्या बात है शिंदो, मुझे अजीब बात हो गई है, पुलिस अंकल की पिस्तौल किसी ने चुरा ली है। कोई आदमी पुलिस की पिस्तौल चुरा कर इस इलाके में घूम रहा है। बंद करो। अरे भाई ये तो हंगामा हो गया, भागो। मुझे ले जाओ यहाँ से। अरे कोई आ, बचाओ मुझे। मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? डिंग डिंग, जरूर उसी ने आपकी पिस्तौल चुराई होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, शायद उसके हाथ में आप ही की पिस्तौल है, जरा सावधान रहिएगा पुलिस अंकल। तुम भी सावधान रहना। डिंग 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 डिंग। वो पिस्तौल निकाल रहा है। देखो वो रहा हथौड़ी। बचा बचा बचाओ, हमें कुछ मत करना, हम हाथ ऊपर करते हैं। पकड़ लो, हिलने की कोशिश मत करना। मेरी पिस्तौल वापस दे दो। अरे भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं तो बस आपसे माचिस मांगने आया था इसे जलाने के लिए। ये क्या पुलिस अंकल, आपने तो कहा था कि ये चोर है। फिर माफ कर दो, मैं थक गया हूँ, काश मेरी पिस्तौल किसी मुजरिम के हाथों ना लगी हो। सब ठीक हो जाएगा पुलिस अंकल, हैंड्स अप। खबरदार जब इसने कुछ कहा तो हैंड्स अप, हिलना मत वरना मैं गोली चला दूंगा। प्यारे बच्चे तुम मुझे पिस्तौल दे दो, मैं तुम्हें चॉकलेट क्या कर दूंगा। मैं नहीं दूंगा। अब हाथ ऊपर करते हो या गोली चलाओ। गोली तो बेटा, खेल खेल में मजाक में गोली मत चलाना। मैं तुम्हारी पिस्तौल ले ली। हा। अरे वो देखो, बड़ा मजा आया। ये तो वही मजा। पिस्तौल वापस दे देना कलची बंदर। तुम सब लोग वही करना जो मैं कहता हूँ। हथौड़ी अपना ख्याल रखना। बंदर की भाषा बोलेगी निंजा टेक्निक। लगता है ये बंदर विदेश से आया है और इसीलिए ये मेरी भाषा नहीं समझ पा रहा है। मुझे दूसरी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बंदर के हाथ लगे पिस्टल। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी जल्दी कुछ करो। बहुत सारा खाना देने की निंजा टेक्निक, अब देखना।
ये लो। और खाना चाहते हो क्या? तो कोई बात नहीं, ये लो। आखिर बंदर नहीं खाएगा तो और कौन खाएगा? ये लो, ये लो, ये लो। डिंगिंग, डिंगिंग। पुलिस अंकल, वो पिस्तौल तो खिलौने वाली पिस्तौल है। फिर तो ये पिस्तौल जरूर बच्चे का खिलौना होगी, देखते हैं। पुलिस अंकल, आप याद कीजिए कि आपने पिस्टल कहाँ रखी थी। याद नहीं आ रहा। आपके इस प्रॉब्लम नाम की ताले की कोई ना कोई चाबी कहीं ना कहीं जरूर होगी। क्या कहा, चाबी? अरे हाँ, याद आ गया। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं? इस चाबी की बात नहीं कर रहा था मैं। काम बन जाएगा, गुड़गुड़ता रहा। ये रही पिस्तौल, मैं भूल गया था, मैंने अपनी पिस्तौल लॉकर में रख दी थी ताकि नहाते वक्त गीली ना हो जाए। अरे, अब तो यही कहना पड़ेगा, खोला लॉकर और निकली पिस्तौल। डेंग।